उत्तराखंड की उत्तरकाशी की टनल में 12 नवंबर से तकरीबन 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के सारे प्रयास सरकार द्वारा किए जा चुके हैं और फिलहाल किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। 16 दिन से फंसे 41 मजदूरों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। कुछ ही देर में टनल से सारे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे भी पहुँचा दिए गए हैं। यहाँ हॉस्पिटल बना दिया गया है। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को यहीं पर रखा जाएगा। इसके बाद इन्हें 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्याली सौड़ ले जाया जाएगा। यहाँ से 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। अगर किसी भी मजदूर की हालत खराब हुई तो उन्हें फौरन एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश भेज दिया जाएगा, वहां पर उनका उपचार किया जाएगा। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ में उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल जी जुड़ चुके हैं। विनीत जी, ये बताइए, 16 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के सारे प्रयास सरकार ने किए, स्थानीय प्रशासन ने किए और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की सारी टीमें सारी एजेंसी वहां पर मौजूद है, इस वक्त क्या परिस्थिति है, कितनी देर में सारे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा? बिल्कुल, आपको बता दूं, लगभग 17 दिनों से जिस तरह से मजदूरों का यहां पर लगातार रेस्क्यू चल रहा था, और ये जो टनल आप देख सकते हैं मेरे पीछे टनल है, और इस टनल में लगभग 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए थे उनको अब लगभग रेस्क्यू कर दिया गया है, और उनकी जो टनल से निकलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 41 मजदूर एम्बुलेंस यहाँ पर अपडेट मोड पर रखी गई है, जैसे ही ये बाहर निकलेंगे उसके बाद इनको चिन्याली सौड़ जो सीबीएसई सेंटर है वहां पर इनका उपचार किया जाएगा। डॉक्टरों की 15 डॉक्टरों की टीमें यहाँ पे अपडेट मोड पे है, 15 4 उत्तरकाशी मुख्यालय से है और तमाम क्षेत्रों से यहाँ पर डॉक्टरों की टीम अलर्ट मोड पर रखी गई है, और साथ ही साथ स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी टनल के अंदर मौजूद है। जी मनीष, विनीत जी, कितना समय और लग सकता है, क्योंकि 2 से 3 घंटे की फिलहाल यहां पर बात की जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे मजदूरों को अंदर निकालने के लिए एम्बुलेंस भी वहीं पर पहुंचा दिया है, अस्थायी तौर पर वहां पर हॉस्पिटल भी बना दिया है और लगातार जो ड्रिलिंग का काम है वो भी पूरा हो चुका है, लेकिन अब कितना और वक्त लगेगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा? मनीष, अभी समय का तो कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से अंदर का टेम्परेचर अलग होता है बाहर का अलग होता है, एकदम कोई भी डॉक्टर उसको एकदम बाहर नहीं ला पाएगा क्योंकि वहां नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और देखा जाए तो उत्तरकाशी मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय में अभी हल्का ठंड यहाँ पे है, जिससे कि टेम्परेचर में काफी असर देखने को मिल सकता है। वैसे कि वहाँ पे 10 बेड का एक मिनी अस्पताल बनाया गया है, वहां पर सभी लगभग 22 जो लोग मजदूर हैं उनको बाहर टनल से बाहर कर दिया गया है, उनका औपचारिक ये इलाज चल रहा है, और अभी भी और जो अंदर फंसे हुए हैं उनको धीरे धीरे एनडीआरएफ की तरफ से लाया जा रहा है। साथ ही साथ जो तैयारियां हैं अभी भी यहां पे भरपूर मात्रा में की जा रही है, एक और से देखा जाए तो वन वे रोड कर दी गई है, किसी को इधर उधर नहीं आने दिया जा रहा है। जैसे एम्बुलेंस सेवाएं यहां से शुरू होगी, साथ ही साथ वायुसेना का जहाज भी यहां पे इमरजेंसी के लिए अलर्ट कर रखा हुआ है। विनीत, अभी आप वहां पर टनल के पास में मौजूद हैं, टनल के अंदर सारी व्यवस्थाएं पहुंचा दी गई है, वहां पर बेड बना दिए गए हैं, वहां पर हॉस्पिटल बना दी गई है, और अभी मैंने देखा सीएम धामी भी वहां पर अंदर गए, उन्होंने भी वहां पर निरीक्षण किया, अंदर की परिस्थिति क्या है, अंदर क्या कुछ चल रहा है? जी ऋषभ, बिल्कुल धीरे धीरे मजदूरों को बाहर लाने की जो प्रक्रिया है एनडीआरएफ की तरफ से किए जा रहा है, और एनडीआरएफ धीरे धीरे ही लाएंगे, क्योंकि एकदम अगर बाहर लाया जाएगा तो उसका गलत वो ना हो जाए, इसको देखते हुए उनके टेम्परेचर के हिसाब से उनको लाया जाएगा, और एम्बुलेंस की व्यवस्था अंदर तक की गई है कि इनको एक एम्बुलेंस पे एक परिवार और जो मजदूर है उसको भेजाया जाएगा। जी विनीत, मजदूरों को निकालने के लिए कैसी व्यवस्था है, किसके जरिए कैसे उसको उनको निकाला जाएगा, इसको लेकर की क्या व्यवस्था है, क्या रैंप के जरिए निकाला जाएगा, पाइप के जरिए निकाला जाएगा, क्या व्यवस्था है निकालने के लिए मजदूरों को? जी बिल्कुल, आपको बता दूं लगभग जो वहां पे पैप डाली गई थी उसके अंदर एक प्लेट जो कि एनडीआरएफ के पास रहती है, जो कि ऑपरेशन के दौरान हर समय उनके पास उपलब्ध रहती है, तो उनके ऊपर उनको बिठा के या लेटा कर उनको खींचा जा रहा है, क्योंकि 2 एनडीआरएफ के जवान अंदर की तरफ सुरंग के अंदर हैं और कुछ एनडीआरएफ के जवान बाहर हैं, तो रस्सी के थ्रो इनको बांध के बाहर लाया जा रहा है। जी बिल्कुल विनीत, एक मसला ये भी है कि सारे मजदूरों के जो परिजन हैं उनको टनल के पास में बुलाया है, उनसे बैग वगैरह उनके कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें उनसे बुलवा ली गई है, उनका क्या कुछ कहना है, उनको कितनी उम्मीदें हैं, और अब चूंकि 17 दिनों से सारे मजदूर फंसे हुए हैं,
खुशी की खबर है और सभी के चेहरों पर खुशी भी देखने को मिली होगी, उनसे भी बात की होगी आपने, उनका क्या कुछ बात कहना है? जी मनीष, बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए तो 17 दिन एक बड़ा टाइमिंग होती है, क्योंकि किसी भी तरह से जब किसी का परिजन कहीं अंदर फंसा हो और उसको निकालने के लिए थोड़ा समय तो लगता है, मगर अब सबके चेहरों में खुशी है कि उनके परिजन अब से कुछ ही समय बाद अपने परिजनों से मिल पाएंगे और उनकी जो स्वास्थ्य के लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से कर दी गई है। जी जी बिल्कुल विनीत, मैं तो ये भी चाहूंगा कि आप किसी एक दो मजदूरों के परिजन से भी बात करें, वहां उनसे उनका भी उनकी भी एक बात जाने कि भाई वो कितना खुश हैं इसको लेकर के, चूंकि 17 दिनों से अपने भाई या किसी का बेटा, किसी के पिताजी जो टनल में फंसे हुए हैं वो वहां पर है, लेकिन अब वो जब बाहर निकलने वाले हैं तो उनको कितनी खुशी है, क्या कुछ है उनका कुछ? मैं तो ये चाहूंगा कि आप उनसे भी बात करें अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो। जी मनीष, बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जो परिजन है उनको अंदर कर दिया गया है, क्योंकि एनडीआरएफ यहाँ पर आर्मी आईटीबीपी के जो जवान है उनको अलर्ट कर रखा है, क्योंकि किसी तरह से मीडिया को यहाँ से बाहर किया गया है और उनको टनल के अंदर भेजा गया है, जिससे कि उनसे मुलाकात करनी तो मुश्किल है, मगर हर किसी के चेहरे पर एक खुशी की लहर साफ देखने को मिल रही है। लेकिन अंदर की जो परिस्थिति है फिलहाल, 41 मजदूर, 17 दिन और लंबा अरसा और एक के बाद एक वहां पर बाधाएं आती गई, जब ड्रिलिंग हो रही थी तो ड्रिलिंग के बाद में कभी पाइप के जरिए और कभी किसी के जरिए, मतलब ये कहें कि बड़ी ही मुसीबत के साथ में सारे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, तो ये खुशी की खबर है, लेकिन अभी फिलहाल जो परिस्थिति है हम उस पर बात कर लेते हैं, लगभग लगभग और कितना वक्त में, दोबारा ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वहां पर अभी दावा किया जा रहा था कि 2 से 3 घंटे के बाद ही उनको निकाल लिया जाएगा, लगभग लगभग 2 घंटे तो हो ही चुके हैं और अब धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं अंदर कर दी गई है, मजदूरों के जो परिजन है उनको भी अंदर बुला लिया, एम्बुलेंस अंदर कर दी गई है और सीएम धामी खुद अंदर वहां पर गए, निरीक्षण किया, अब हम अनुमान क्या लगाएं वहां पर कि और कितना समय? जी मनीष, बिल्कुल, लगा जाए तो अभी अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, अब स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कोई अगर सीरियस कंडीशन है तो उस हिसाब से उनको टेम्परेचर दवाइयां दी जा रही है और अगर किसी की नॉर्मल बीपी या कई चीजें इसमें आ जाती है, क्योंकि अंदर रहे हैं लगभग 17 दिन तक ये वहां पे रहे हैं तो हर किसी की कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, उसको देखते हुए शासन स्तरों की बात की जाए तो पूरी तरह से यहाँ पे तैयारी की गई है और उनसे थोड़ा समय के साथ ही इनको बाहर किया जाएगा, ये तो समय बताएगा कब तक टनल से बाहर इनको लाया जाएगा। अच्छा, मौसम का क्या कुछ रुख है वहां पर, मौसम कैसा है और टेम्परेचर इस वक्त क्या है वहां का? जी बिल्कुल, अभी देखा जाए तो अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी वो लगभग यहाँ पे बरकरार बनी हुई है और टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पर काफी डाउन हो चुका है, पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के आसार भी देखने को मिल रहे हैं। जी अच्छा, रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम की क्या कुछ भूमिका रह सकती है, अगर मौसम खराब रहा तो रेस्क्यू में क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, रेस्क्यू की बात की जाए अगर मौसम खराब हो जाएगा या बारिश होती है, बर्फबारी होती तो शायद ही रेस्क्यू में काफी दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिलती है और जहाँ पर यह सिलकारा टनल है वहां पर सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है, जिससे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत खड़ी होती थी, मगर अब जिस तरह के हालात यहाँ पे दिखे हैं तो मौसम ने काफी सहायता यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी ने इन मजदूरों की सुरक्षित रहने की एक आस बना के रखी है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर जो स्ट्रेचर लगाए गए हैं, गद्दे लगाए गए हैं और यहाँ पर जो अस्थायी तौर पर हॉस्पिटल बनाया गया है, क्या सभी मजदूरों को एक के बाद एक लाया जाएगा, यहाँ पर उनकी स्थिति देखी जाएगी, उनकी जो तबीयत के किस प्रकार है ये देखा जाएगा और यहाँ पर चेकअप करने के बाद में औपचारिक रूप से यहाँ पर रखा जाएगा उनको, तो अगर यहाँ रखा जाएगा तो कितनी देर तक यहाँ पर रखा जाएगा और इसके बाद उनको जो एम्स हॉस्पिटल है या अन्य जो हॉस्पिटल है वहाँ पर कितनी देर तक पहुँचा दिया जाएगा, क्या प्राथमिक उपचार यहीं पर होगा उनका? मनीष बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टरों की बात की जाए, हॉस्पिटल की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग जब से ये रेस्क्यू शुरू हुआ है तब से यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर पूरी तैयारियां रखी हुई थी, अगर कोई सीरियस कंडीशन में है तो उनको एम्स के लिए रवाना कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर वायुसेना का जहाज पहले से उपलब्ध बैठा हुआ है, क्योंकि अगर रेस्क्यू पूरा होता है, अगर किसी सीरियस कंडीशन है तो उसको वायुसेना के जहाज से सीधे उनको वहां भेजा जाएगा, एम्स भेजा जाएगा और जिसका नॉर्मली या हल्का उपचार होना होगा उसे मुख्यालय उत्तरकाशी या जो चिन्यानी में बना हुआ सीएससी सेंटर है वहां पर उनका इलाज किया जाएगा। जी
चलिए प्रीत, आप लगातार पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों को पहुंचाती रहेगा और नजरें बनाए रखिएगा। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी के टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ की कुछ टीम भी लगातार कुछ देर में 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लेगी। टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे भी पहुंचा दिए गए हैं। यहां पर हॉस्पिटल बना दिया गया है। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को यहीं रखा जाएगा, उनका प्राथमिक उपचार यहीं पर किया जाएगा और इसके बाद में 30 से 35 किलोमीटर दूर चिल्याड़ी सौंड ले जाया जाएगा। तो बता दें कि टनल में लगातार मजदूरों को निकालने का रेस्क्यू जारी है। अगर किसी भी मजदूर की हालत खराब होती है तो उन्हें फौरन एयरलिफ्ट किया जाएगा, एम्स ऋषिकेश उनको भेजा जाएगा। चिल्याड़ी सोड़ में भी हवाई अड्डे पर चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं। यदि किसी भी मजदूर की किसी भी तरीके से अगर तबीयत खराब होती है तो उसे तुरंत ही हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स भेज दिया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि सिलक्यारा साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रेट माइनर्स और हादसे में 17 दिन से दोपहर 1 बजे तक खुदाई पूरी पाइप के जरिए की जा चुकी है। उन्हें करीब 21 घंटे और 12 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग की है। 24 नवंबर को मजदूरों की लोकेशन से महज 12 मीटर पहले ऑगर मशीन टूट गई थी, जिससे कि रेस्क्यू को रोकना पड़ा था। और फिलहाल अब रेस्क्यू लगातार जारी है, सारी व्यवस्थाएं अंदर कर दी गई है और अब यह देखना होगा कि कितनी देर बाद 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो तमाम जानकारी के लिए और अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए एमकेआर न्यूज के साथ। नमस्कार।